गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, लेसन नंबर सिक्स हम पढ़ रहे थे, टेकआउट पेज नंबर 34, प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बीज के बिना उगते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग रेनी सीजन यू मस्ट हैव सीन स्प्राउट्स ऑन द सर्फेस ऑफ पोटैटोज कैप्ट इन योर होम। तो आपने देखा होगा बारिश के मौसम में जो आलू होते हैं घर में, तो उनके ऊपर से रूट्स निकल जाते हैं, स्प्राउट्स होने लग जाते हैं, ऊपर कुछ नज़र आने लग जाता है इधर इस तरह से। इन इफ़ वी बरी दिस पोटैटो इन अ पॉट कंटेनिंग सॉइल, अ पोटैटो प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट। सो पोटैटो को उगाने के लिए बीज की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे उगे हुए हम आलू को अगर सॉइल में लगा देते हैं तो उसमें से प्लांट ग्रो हो जाता है। सिमिलरली इफ़ वी पुट अ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम दैट इज़ पत्थर चट्टा इन अ पॉट कंटेनिंग ऑयल, देन अ न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम द लीफ। तो इस तरह से एक प्लांट होता है, उसकी लीफ होती है, वो पत्थर चट्टा की लीफ अगर हम उगा देते हैं तो उससे भी नया प्लांट ग्रो हो जाता है। नाउ ये तो आपको समझना है, हाउ द जर्मिनेशन सीडलिंग यूजेस द फूड स्टोर्ड इन इट। तो जर्मिनेशन किस तरह से होता है, किस तरह की कंडीशंस चाहिए होती है, जैसे नमी चाहिए होती है, अलग अलग सीड्स होते हैं जो इसमें अलग अलग टाइम लगता है जर्मिनेट होने के लिए, ये उसके बारे में है। नाउ पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स इन योर सराउंडिंग एंड डिस्कस विच प्लांट ग्रो विदाउट सीड। तो अपने आसपास आपने देखे होंगे बहुत सारे प्लांट्स होंगे जो बिना सीड के उग जाते हैं, और फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो, वो किस तरह से उगते हैं। जैसे पोटैटो स्टेम पार्ट कहलाता है, इससे उगते हैं, और ये ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा लीव से उगता है। हरका बरेड अ ट्विग ऑफ मिंट प्लांट पुदीना अलॉन्ग विद इट्स रूट इन द वेट सॉइल। तो घर में जब पुदीना लाते हैं तो हरका ने क्या किया, उसे सॉइल में उगा दिया उसकी जड़ों के साथ। आफ्टर अ फ्यू डेज ही सॉ दैट मैनी मिंट प्लांट्स ग्रो इन दैट प्लेस, और थोड़े दिन बाद वहाँ पर बहुत सारे मिंट प्लांट उग जाते हैं, पुदीना उग जाता है। एट मीनाज होम देयर वॉज अ मनी प्लांट ग्रोइंग इन द ग्लास बॉटल। मीना के घर पे ग्लास बॉटल में, कांच की बॉटल में उन्होंने मनी प्लांट उगा रखा था। हरका सॉ इट एंड आस्क्ड हर हाउ डिड यू ग्रो दिस प्लांट। तो हरका पूछते कि मीना तुमने ये कैसे उगाया। मीना टोल्ड हिम दैट इफ़ वी पुट अ ट्विग अलॉन्ग विद इट्स बड इन अ बॉटल कंटेनिंग वाटर इन अ और इन अ पॉट कंटेनिंग सॉइल, देन अ प्लांट वुड ग्रो फ्रॉम इट। तो वो बताती है, ट्विग मतलब जो उसकी डंडी होती है, नीचे की स्टेम होती है, अगर हम उसको उसको पानी की बॉटल या फिर सॉइल में उगा देते हैं तो वो ग्रो हो जाता है। लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट अ न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन। तो आगे हम देखेंगे कौन सा किस पार्ट से उगता है। अब जैसे पोटैटो है तो वो स्टेम पार्ट से उगता है, मनी प्लांट स्टेम से, मिंट प्लांट रूट से, रोज स्टेम, जास्मिन स्टेम और ब्रायोफिलम लीफ पार्ट। तो इन पार्ट से ये वाले प्लांट्स ग्रो होते हैं, उगते हैं, जर्मिनेट होते हैं। एक्सप्लोर हाउ इज़ ग्राफ्टिंग डन। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है, रोज़ की जो स्टेम काट के हम ग्रो करने के लिए लगाते हैं सॉइल में, उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। राइट द नेम ऑफ द प्लांट विच कैन बी ग्रोन बाई इट्स लीफ। तो ऐसे प्लांट का नाम बताना है जो लीफ से उगते हैं। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, अब डिस्पर्जल मतलब सीड्स को इधर उधर जो फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनको डिस्पर्जल कहते हैं या बिखेरना। मीरा saw a fig plant that is पीपल on the walls of the temple. So आपने कहीं भी देखा होगा कि पीपल का प्लांट अपने आप ही कहीं भी उग जाता है, तो एक वॉल पे टेम्पल की एक वॉल पे, दीवार पे पीपल का प्लांट उगा होता है। शी थॉट दैट हु मस्ट हैव ग्रोन दिस प्लांट। तो वो सोचती है ये प्लांट यहाँ पर किसने उगाया। शी आस्क्ड हर फादर एंड ही टोल्ड हर ऑल दैट द सीड्स मस्ट हैव रीच्ड हेयर थ्रू सम बर्ड्स और पिजन एटसेट्रा। तो उसके फादर उसे समझाते हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है कि इसके जो बीज हैं वो कोई बर्ड या पिजन ने यहाँ लाकर डाल दिए हों। सिमिलरली सीड्स स्कैटर इन द डिफरेंट प्लेसेस विद अ हाई स्पीड विंड, दे फ्लो विद वाटर और दे मे स्टिक टू द बीक ऑफ द बर्ड और बॉडी ऑफ द एनिमल्स। तो इसी तरह जो सीड्स जो इधर उधर बिखरे होते हैं तो वो किसी भी तरह से अलग अलग प्लेसेस पे फैल जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं,
तेज़ हवाओं से, पानी के साथ, या फिर बर्ड्स की बीक्स पे लग जाते हैं, चोंच पे लग जाते हैं तो इधर उधर बिखर जाते हैं, या किसी एनिमल की बॉडी पे चिपक जाते हैं तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। दिस फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज कॉल्ड डिस्पर्सल। तो इस फिनोमिना, इस प्रोसेस को जिससे सीड्स इधर उधर बिखर जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, उसको हम डिस्पर्सल ऑफ सीड कहते हैं। Where have you seen plant growing at places other than ground? तो आपने और कौन से प्लांट देखे हैं जो ग्राउंड्स के अलावा भी कहीं और उग जाते हैं, जैसे छतों पे उग जाते हैं या दीवारों पे उग जाते हैं। So you have to read this lesson up to this on page number 36. Bye. Have a nice day.